इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। बहुचर्चित सरपंच हत्याकांड मामले में सरपंच विक्रम रावत की हत्या कर फरार चल रहे मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र रावत को किया गिरफ्तार। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। पनिहार के पास जंगल में हुई मुठभेड़। पड़ाव थाना की महिला थाना प्रभारी इला टंडन के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। 9 अक्टूबर को पड़ाव थाना क्षेत्र के कांति नगर में सरपंच विक्रम रावत को गोलियों से भूनकर उतारा गया था मौत के घाट। पड़ाव थाना प्रभारी इला टंडन ने किया शॉर्ट एनकाउंटर। बदमाश पुष्पेंद्र रावत को पैर में लगी है गोली। उसे घायल हालत में JAH के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ग्वालियर से रमेश प्रजापति की रिपोर्ट। क्या पूरा मामला है, किस तरह से? अभी जो पड़ाव में एक सनसनी की हत्या की घटना हुई थी, जिसमें बनेरी सरपंच को गोली मारकर सुबह लगभग 9 बजे वकील जो अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आए थे उसकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हमने कुछ आरोपियों को नामजद किया था, कुछ अज्ञात भी थे, और उनमें हमने पूर्व में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी, और इसके बाद अभी एक जो आरोपी जो इसको हम मास्टरमाइंड था जो आरोप घटना का पुष्पेंद्र रावत, वो घटना दिनांक से फरार था, और उसको पकड़ने के लिए हमने एक टीम रवाना की थी। अभी थाना पनियार क्षेत्र में इसके छुपे होने की सूचना मिली थी, और जिस पर से अभी जो टीम थी उसने गिरफ्तारी देने के पूर्व टीम पर हमला कर दिया, और जवाबी फायरिंग में जहाँ अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर ओपन किया गया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। तो कितने आरोपी थे इसमें? अभी इसमें कुल घटना में जो 5 आरोपी थे और एक आरोपी को और अज्ञात भी थे कुछ आरोपी, कुल मिलाकर अभी 6 आरोपी इसमें ज्ञात हुए हैं, और इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता। पूर्व में जो हत्या में प्रयुक्त जो हथियार थे, जो सरपंच की हत्या में जो हथियार प्रयोग किए गए थे, वो हथियार हमने पूर्व के आरोपियों से बरामद किए थे, और अभी ये जो एनकाउंटर हुआ है इसमें जो आरोपी की पिस्तौल है उसके संबंध में हम जांच कर रहे हैं। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।